बट बाबर ने ये भी फेस किया, ये पर्ची का दोस्त है, ये इसके दोस्ती करता है। बाबर ने टीम वो बनाई, बाबर आजम ने मैच से पहले का येलो 11। बड़े बड़े नाम थे भैया, बड़े बड़े नाम आईपीएल में करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ क्या हुआ, साइन सा अफरीदी जैसे ही आए भैया, कोई पहली गेंद पर चला गया, कोई दसवीं गेंद। दुनिया को पता चल चुका है लेफ्ट आर्म प्रेशर लगा दो, ये जितने नाम के शेर हैं ढेर हो जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच होया पर पूरा हो नहीं पाया, कई कारण करके, कई नहीं एक ही कारण सीगा, वो सीगा बारिश का। सो विक्रांत गुप्ता सर का रिएक्शन की सी पाकिस्तान के बॉलरस नू लैके, वो वीडियो अपने चैनल पर इसे चैनल पर अपलोडेड है, तुसी वो भी देख सकते हो। लेकिन पहला आज देखो कि इंडियन मीडिया के कितना कु भूचाल आया वे। लिटरली पाकिस्तान वाले मैनू कमेंट करके कहन डे परसनल विच इंस्टाग्राम से जां कमेंट सैक्शन यूट्यूब पर भी कि भाजी असी इंडिया पाकिस्तान के जो मैच होंगे ना, असं इंडिया बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, इंडियन टीम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, सानू मज़ा आता है। पर कहिंदे इस बार जो इंडियन मीडिया ज इंडियन जो लोग आ वो खुद ही अपनी टीम को इन्ना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना कि सानू इंडियन टीम पर तरस आ रहा है, इदा के हालात बने हैं। पर मैच होना चाहिए सी पूरा, मेरे अकॉर्डिंग बारिश नहीं होनी चाहिए सी, ता जो पता तो लगता टक्कर बराबर दी सी यार, 50-50% काम हो जाना सी। इंडिया की परफॉर्मेंस पहला सही नहीं सी, ठीक है, उस तो बाद हार्दिक ते ईशान ने काम चकता सीगा, ते उस तो बाद स्कोर भी वधिया बन गए सी, पाकिस्तान नू भी एक वधिया टक्कर मिल गई सी, ठीक है, ते वधिया मज़ा आना सी जेकर मैच ना हुंदा। पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत वधिया की, लेकिन उन्हां दी फील्डिंग हजे भी थोड़ी जी वीक है, ये कुछ कु की पॉइंट्स है जो कि ऑनेस्ट है, ठीक है, अनबायस्ड है, सो यह गल पक्की है। लेकिन हुण देखदे हां कि इंडियन मीडिया की कहती है, पाकिस्तान दे कोल फास्ट बॉलरस बहुत आ, ठीक है, 148 नंजा की स्पीड से वह बॉलिंग कराते हैं, तो लेकिन देखते हैं कि इंडियन मीडिया के विच की भूचाल पिया। सो आओ जी पहला विक्रांत गुप्ता सर का जो रिएक्शन है वह भी देख लियो इस वीडियो तो बाद, चैनल सब्सक्राइब कर लो जो नए हैं। सो आओ देखिए, ईशा अफरीदी इज द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, या डेफिनेटली एज ऑफ टुडे। अच्छा अफरीदी जा शाहिद अफरीदी जान लगे कह के गए सी कि मैं एक अफरीदी जा रहा, दूजा अफरीदी आ गया। He is, कह के आउट करता बंदा, कह के कि आप भी भाई साहब, आप भी भाईजान, आज मैं गली में जफ्फी डाल लूंगा, कल लेकिन मैं आपके डंडे पे मारूंगा, कह के। और आपको 12 महीने उसका खौफ रहता है, यू कीप प्लेइंग दैट इन योर माइंड। मैं अरसे से कह रहा हूं 12 महीने नहीं, हुण जो इंडिया पाकिस्तान का जेकर फाइनल भी हुंदा, जे नेपाल नाल मैच आ उहदा, चलो इंडिया ने जित जाना, जेकर फाइनल हुंदा इंडिया पाकिस्तान का होएगा इंशाल्लाह, तो वो की होगा कि उदो इंडियन टीम दे विच वो खौफ नज़र आऊगा आपां कि हाँ भी ये बई शाहीन अफरीदी है, ठीक है, वो बहुत फास्ट बॉलिंग है उनकी, जहाँ बहुत जबरदस्त बॉलिंग है। कि बाबर आजम की सिफत है, बाबर आजम 3 साल से पाकिस्तान के मीडिया में गालियां खाता है बेचारा, वो टीम जीतती है उसकी कप्तानी में तब भी बाबर को कहते हैं ए, इसको क्या हरा दिया, 100 बनाता है, ये क्या 100 हुआ, 90 बॉल में 100, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। बट बाबर ने ये भी फेस किया, ये पर्ची का दोस्त है, ये इसके दोस्ती करता है। बाबर ने टीम वो बनाई, बाबर आजम ने मैच से पहले का येलो 11, ये है इंडिया, ये है इंडिया ने 11 की अनाउंस, नहीं बाबर आजम का येलो 11 है, हिम्मत आ जाओ, आपके कोच और आपकी मैनेजमेंट, अब क्या टीम क्या बना रहे हो यार, वॉट इज इट दैट यू हैव। जिस दिन आज से 1.5-2 साल पहले इंडियन क्रिकेट ने ये कहा था ना, हमारे पास 40 प्लेयर हैं, अंदर से आवाज आ गई थी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, अहंकार आ जाता है, हमारे पास 40 प्लेयर हैं, आज आप कहां है वो 40 प्लेयर, आज आप कहते हो केएल राहुल एक टांग से तू भी आ जा, श्रेयस अय्यर एक टांग से तू भी आ जा, प्रसिद्ध कृष्णा एक टांग से तू भी आ जा, बुमराह एक टांग से तू भी आ जा, 4 तो आपने इंजर्ड प्लेयरों को रखा हुआ है। बस के आगे भारतीय दिग्गज हुए बेकार, पहले हिटमैन फिर कोहली को बनाया शिकार, शाहीन की दहशत है अब तक बरकरार, दिखाया फिर से वो कर सकते हैं कमाल, दोहराया वर्ल्ड कप का फिर वही फसाना, जब भारतीय दिग्गजों को पवेलियन पड़ा था जाना, ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का अहम गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी है, जिसने उस टूर्नामेंट में भारतीय दिग्गजों को पवेलियन भेज सनसनी मचा दी। आज ये खिलाड़ी पाकिस्तानी नहीं दुनिया का बेहतरीन तेज गेंदबाजों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। उस जब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया, उम्मीद तो यही थी कि हिटमैन और किंग कोहली पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इंडियन फैंस के हाथ लगी सिर्फ निराशा। इन दोनों दिग्गजों के बीच शाहीन की जो दहशत थी वो फिर से देखी गई, दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों की शाहीन ने गिल्लियां बिखेर कर रख दी और सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अगर हम यूं कहें कि भारतीय दिग्गजों का परफॉर्मेंस नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला था, तो ये
बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नहीं यार, ये कुछ ज्यादा ही करंट है इंडियन टीम नो। इंडिया टीम भी माड़ी नहीं है, कई यार सिचुएशन उदा दी नहीं होंगी, ठीक है। विराट दे रोहित नहीं चले, लेकिन हार्दिक ते ईशान है जो चले है, ठीक है। उन्होंने भी तारीफ करो यार कि उन्होंने अपनी बहुत वधिया 138 स्कोर की पार्टनरशिप की है। बराबर का मैच होना सी, जेकर बारिश ना होंगी मज़ा आना सी यार। आप इंडिया पाकिस्तान लोग क्यों देखते हैं मैच, इस करके देखते हैं ना कि सानू मज़ा आवे, असं एंटरटेन होइए। इंडिया पाकिस्तान जो एक क्रिकेट है ना, उसी लैके आप देख सकते हैं कि दोनों जोड़े मुलक आ वो आपस में जुड़ते हैं एंड एक दूजे न प्यार गल करते। देखिए नी टीम कि हस हस के एक दूजे को मिल रही है, कोई वो एक दूजे के फीते बन डे है, शूज़ के लेसिस बन डे है, ठीक है। सो इदा दीज़ा अपन देखने को मिलती, वो सिर्फ क्रिकेट में ही मिलती हैं, बाकी आसे पास देख लो एक दूजे को गाले कड़ते हैं। कि पाकिस्तान की पेस बैटरी डिपार्टमेंट खातक लय में दिख रही है, वहीं शाहीन शाफरीदी का वही जलवा बरकरार है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। शाहीन शाफरीदी ने जिस तरह आज विराट कोहली और रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाया, खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के सामने कटवा दी नाक। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के सामने रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा ने टेक दिए घुटने। अफरीदी, रऊफ, नसीम का इतना खौफ कि पसीना पसीना हो गए भारतीय धुरंधर। शुक्र मनाइए बारिश हो गई, वरना रोहित की सेना को होना पड़ता है शर्मसार। रोहित शर्मा बोल्ड बाय शाहीन अफरीदी 11 रन, विराट कोहली बोल्ड बाय शाहीन अफरीदी 4 रन। ये स्कोर कार्ड देखकर बिल्कुल भी चौंकिएगा नहीं, क्योंकि भारतीय धुरंधरों के महामुकाबले की यही महातैयारी थी, जो कि पाकिस्तान के गेंदबाजों के खिलाफ आते ही एक बार फिर से धराशायी हो गए। शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह ने ऐसा कहर बरपाया कि भारत के रणबांकुरे पस्त हो गए। वो तो गनीमत रही कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या मैदान पर टिक गए, वरना एक बार फिर से दुनिया के सामने टीम इंडिया की नाक कट जाती। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया के गाल पर करारा तमाचा था, और सीधे तौर पर कहें तो रोहित की सेना की हार थी, क्योंकि जिस मुकाबले को लेकर लंबे वक्त से तैयारी चल रही हो, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हो, बहुत ज्यादा डिसपॉइंट देखनी पड़ी है अभी लोगों को। उस मुकाबले में उतरते ही भारत के टॉप क्लास के प्लेयर भीगी बिल्ली बन गए। क्या विराट कोहली, क्या रोहित शर्मा, क्या शुभमन गिल, क्या श्रेयस अय्यर, क्या रविंद्र जडेजा, सभी ने टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी से शर्मसार किया और पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अगर इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन आगे अच्छा नहीं हुआ, तो फिर नेपाल के खिलाफ भी भारत का बुरा हाल होगा, और इस तरह पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने भारतीय बल्लेबाजों के पसीने छूट गए थे। मतलब पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने ही भारतीय टीम के सभी 10 विकेट चटका दिए, जिसकी वजह से टीम इंडिया का स्कोर 300 भी नहीं पहुंच सका। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा को भी ये डर सता रहा था, उनका प्रदर्शन इतना ही घटिया रहा तो आने वाले वक्त में उनके लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। भारत के तो भैया शेर जो थे वो पाकिस्तान के आगे ढेर हो गए। आपने देखा बड़े बड़े नाम थे भैया, बड़े बड़े नाम आईपीएल में करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ क्या हुआ, शाहीन शाफरीदी जैसे ही आए भैया कोई पहली गेंद पर चला गया, कोई दसवीं गेंद पर चला गया, कोई पंद्रहवीं गेंद पर। यार ये चीज मैं हमेशा कहना है कि इंडियन टीम ने पिछले डेढ़ साल जिन्ने भी इंटरनेशनल गेम्स खेडियां उहदे विच किते भी शानदार परफॉर्मेंस नहीं दित्ती, लेकिन आईपीएल देख लो, मतलब जिथे पैसा उत्थे तो ठीक है, लेकिन जिथे पैसा उन्ना नहीं मिलता उत्थे मतलब कि गेम नहीं खेडनी। मतलब आई डोंट नो कि बीसीसीआई दी केड़ी ये है चीज, आई डोंट नो अबाउट दैट। यार चला गया, मतलब रुक नहीं पाए। ऐसा लग रहा था शाहीन शाफरीदी के, हारिस रऊफ के खिलाफ ऐसा लग रहा था जैसे इन बल्लेबाजों को कोई पकड़ के खींच रहा है पवेलियन की तरफ कि भैया आ जाओ आ जाओ, अब आप नहीं टिक पाओगे। लेकिन देखिए पाकिस्तान के खिलाफ हमारी बल्लेबाजी की पोल खुल गई, हमारे लिए परेशानी खड़ी हो गई। लेकिन सवाल अब एक और भी तो खड़ा हो रहा है, सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि भैया क्या टीम क्वालिफाई कर पाएगी एशिया कप में, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जिस अंदाज में टीम इंडिया ने शुरुआत करी भाई साहब डूब के मर जाओ यार, शर्म के मारे पूरा हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आती। रोहित शर्मा इतने बड़ी बड़ी बातें करते थे भाई साहब, पहले से एक गेंदबाज बुला लिया था कि शाहीन अफरीदी की तरह प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हुआ क्या, केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है, 22 गेंदों पर ऐसे टुक टुक करके खेल रहे थे जैसे टेस्ट मैच खेलने आ गए हैं। उसके बाद में शुभमन गिल, यार मतलब इस खिलाड़ी को मुझे समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान जैसी गेंदबाजी के खिलाफ शुभमन गिल को क्यों मैदान में उतार दिया मेरे भाई। बाणदानी से नाक बचा ली, लाज बचा ली, नहीं तो स्कोर कार्ड कम, मोबाइल नंबर ज्यादा लगता है टीम इंडिया का स्कोर कार्ड 11 10 14 14 3 4। वाह भाई, इस टीम इंडिया के लिए तो ताली बजानी पड़ेगी ऋषभ भाई, क्या परफॉर्मेंस है यार, वाह, ये वर्ल्ड कप जीतेंगे।
ये शाहीन अफरीदी को नहीं खेल पा रहे हैं जो पूरा 100% फिट भी नहीं। शुभमन गिल नु इन्होंने सीधा एशिया कप जो पाकिस्तान दे फास्ट बॉलर दे खिलाफ खड़ा करता है, ठीक है। हुण की करनगे, हुण जदों वर्ल्ड कप होना ना उदो इन्होंने KL राहुल नु खड़े कर देना जिहड़ा कि इंजर्ड है, हजे भी पता नहीं उहदी कोई अपडेट ही है नहीं कि वह बंदा हुण ठीक है या की है नहीं है, की होया की सी कुछ नहीं पता। तो बस उदों इदा ना हो यार कुछ, मतलब सोच समझ के इन्हों देखना चाहिए कि आई डोंट नो, ओपनिंग सही नहीं हुई सी। और ये वर्ल्ड कप जीतेंगे में दो विकेट शाहीन अफरीदी ने लिया और एक विकेट हारिस राउफ को मिला है। तो मैं अफरीदी का जोश के आगे हमारा जोश फीका हो गया जी। उन्होंने जैसी गेंदबाजी की आज देखिए, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने जो राइट ऑन टारगेट कहते हैं, बैक टू बैक दो बड़े झटके दिए, बड़ी उम्मीदें तोड़ी है ना सिर्फ हमारी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की। बड़े बल्लेबाज होंगे रोहित शर्मा, बड़े बल्लेबाज होंगे विराट कोहली, बड़े बल्लेबाज होंगे KL राहुल। एक बाएं हाथ का पेसर लगा दो सारी बल्लेबाजी घुस जाती है। रोहित शर्मा बीते 2021 से अभी तक 147 गेंदों में 9 बार आउट हो चुके हैं लेफ्ट आर्म पेसर को। विराट कोहली 6 बार आउट हो चुके हैं 2021 से अभी तक। दुनिया को पता चल चुका है लेफ्ट आर्म पेसर लगा दो ये जितने नाम के शेयर हैं ढेर हो जाएंगे। 140 करोड़ की जनता में आपके पास एक ढंग का लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है जो शाहीन अफरीदी जैसी प्रैक्टिस करवा सके। देखिए मैं तो लानत है कि इंडिया के क्रिकेट पर। यही थी तुम्हारी तैयारी, यही थी तैयारी। हाँ, एक महीने का टाइम मिला था सबको बल्लेबाजी करने का, आराम करने का। वो जो नेट प्रैक्टिस हो रहा था जिसके वीडियो सामने आ रहे थे, यही थी तुम्हारी तैयारी। एक शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेला जा रहा है हमारे सो कॉल्ड सबसे बड़े बल्लेबाजों के। हाँ, रोहित शर्मा के पैर चिथड़ हुए थे उधर, विराट कोहली से भी वही हुआ, क्लीन बोल्ड हुआ है। अब ये पाकिस्तानी अगले 10 साल तक जो है ना वही एडिट्स चलाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपके मेन प्लेयर हमारे शाहीन शाह रोला था, ये 22-23 साल का लौंडा है उसको नहीं खेल पा रहे हो भाई। इससे अच्छा होता कि भाई मैन बहुत बुरी हुई है यार, इंडियन मीडिया ने बड़ा बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। आई थिंक थोड़ा बहुत बनता भी है क्योंकि जेकर हुण विराट कोहली जां जिन्ने भी वड्डे प्लेयर हैगे आ जां BCCI जो इस टाइम चला रहे आ बंदे, ठीक है, वह देखणगे तां उन्हां नूं पता लगेगा कि यार दुनिया च गुस्सा हैगा, दुनिया च नहीं सॉरी इंडियंस दे विच गुस्सा हैगा कि हाँ भी तुहाडी टीम कर की रही है, तुहाडी प्रैक्टिस की है, लैफ्ट आर्म पेसर तुहानूं क्यों नहीं प्रैक्टिस करवाउंदा कोई, हुण कमजोरी पता लग गई। हुण एशिया कप च मान लो फाइनल हुंदा भी इंडिया पाकिस्तान दा, सो उत्थे हुण शाहीन शाह अफरीदी नूं भी पता जां बाबर आजम नूं भी पता कि उन्होंने केड़े बॉलरस उत्थे खड़े करने हैं, इन्हां दोनों जो मतलब पूरी इंडियन जिहड़े वड्डे बल्लेबाज आ उन्हां दे खिलाफ। सो यह तो हूँ बई प्रैक्टिस हूँ जिन्हें दिन रह गया करो रज के, तो नाले तो प्रैक्टिस करो तो नाले देखो कि होंगे, पर उदन कोई मीह मूह ना आए। देखो बड़े सारे सवाल पैदा होंगे क्योंकि पाकिस्तान के BCCI ने कहा कि असी नहीं जाना, तो जे यही मैच पाकिस्तान के होया हों बारिश नहीं होनी सी, यह भी एक फैक्ट हैगा है ना, बारिश उत्थे उस दिन नहीं सी ते मैच वधिया हो सकता सीगा, वो तो सही पता लगता सीगा कि कौन किन्ने पानी च है। हुण बारिश होगी, ओपनिंग इंडिया की सही नहीं सी, इहदा मतलब यही नहीं है कि इंडियन टीम बिल्कुल ही बेकार सी, बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है। उस तो बाद वधिया पार्टनरशिप रही है दोनों जणियां दी, ते उन्होंने वधिया स्कोर जिहड़े आ बनाए है, चलो 300 तक नहीं पहुँचे लेकिन फिर भी एक टारगेट तो उन्होंने देता सीगा। ते हुण क्योंकि दूजी साइड साडा बुमराह भी सीगा, उन्होंने भी बॉलिंग वधिया करनी सी, उन्होंने वधिया खेलना सी, हालांकि उन्होंने बैटिंग भी कल वधिया कीती सी, ते उस तों बाद बुमराह की बॉलिंग भी वधिया। पाकिस्तानी प्लेयर्स दे विच भी आपां नूं पता है कि कित्थे कित्थे खामी है, की सिस्टम है, ठीक है। उत्थे भी पाकिस्तान की टीम की भी यही गल है कि बैटिंग में जे तो चल जे तो जे ना चले तो ना चले, ठीक है। उस बारी ऐतकी फिर इन्होंने होया। सो एक दूजे दियाँ जो कमजोरियाँ वो जे अपोजिट वाले उन्होंने पता होंदियाँ तो उन्होंने उत्थे अटैक करना। सो मीह ना पैंदा फिर स्वाद होना सीगा, फिर पता लगना सी। पर इंडियन टीम नूं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बड़ियां गालां पईआं भई आ देखिया ही आपां कुछ, ठीक है। नहीं तो ये तो कुछ भी नहीं है, जिस तों बहुत जिहड़ियां मैं मतलब ऑफलाइन देखियां इदां दी वीडियो जिहदे विच लिटरली गालां कढ़ी जांदे आ। तो चलो एनीवेज हुण होप सो कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होवे ते आपां देखिए ते फिर देखते हैं की हुंदा, बराबर की टक्कर होवे यार फिर ही मज़ा आउंदा है ना। विच हुण मीह पै गया, किस्मत नहीं सीगी, जो मर्जी कह सकते हैं, हुण जो मर्जी कही चलो कि मीह ने इंडिया नूं बचा लिया जां मीह ने पाकिस्तान नूं बचा लिया, वो वक्री गल्ल, गल्लां जिहड़ियां मर्जी करी चलो,
पर लगता सानू इंडियंस नू ज़्यादा खौफ ये भी है कि हुण शाहीन शाह अफरीदी दी ही क्लिप्स बार बार अगले 10 सालों तक चलनगे। वाकई वह गल बिल्कुल सही कही है बंदे ने, तो ये चीज़ होनी है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो एक राइवलरी है ना वो बहुत टाइम चलती है एंड ये गल्लां भुल दियां ने लोग बड़िया याद रखते अज तो मैं कहना 30-30 साल पहलां वाली क्लिपां भी कढ़ के उह दिखा देंदे आ जदों एक दूजे नाल बहसबाजी करनी होवे। सो चलो एक अपना जिहड़े फैनस आ उहनां दी जिम्मेवारी है एक हैल्दी कॉम्पीटिशन वांगू लिया करो, इंजॉयमेंट रखो, एक जनून रखो अपने देश को सपोर्ट करन दा, लेकिन कदे भी अगले बंदे नू अंडर एस्टीमेट ना करो। सो ये अज्ज दी वीडियो तुहाडा की मनना मैनू नीचे कमेंट करके जरूर दस्यो, मिलते थोड़ा किसी और वीडियो, सत श्री अकाल।